मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण में नमी बनी हुई है। मौसम में हो रही इस परिवर्तन के चलते लोग, खासकर छोटे बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। NMCH में लगातार आ रहे बीमार बच्चों के कारण अस्पताल में बेड की कमी दिख रही है। NMCH में बच्चा वार्ड, नीकू, पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 बेड है, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट है, जिसके कारण एक बेड पर दो बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देखते हुए बच्चे के परिजन भी परेशान है। उनका कहना है कि एक बेड पर दो बच्चों का इलाज करने से बच्चों में अन्य बीमारी का भी खतरा बना रहता है। अभी तो NMCH में बेड की कमी हो रही है, ऐसे की आने वाले कोरोना की तीसरी लहर में बीमार बच्चों का क्या होगा। NMCH अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने बताया कि अभी बच्चों में निमोनिया, बुखार, खांसी, सर्दी के मरीज ज्यादा हैं, जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। NMCH में इन सभी बीमारियों से निपटने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन बेड से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिसके कारण बेड की कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन मरीजों को कोरोना से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसका मौसम भी एक कारण है। उन्होंने बताया कि वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आमतौर पर सर्दी, खांसी और बुखार हो रहा है। अस्पताल में बच्चों के लिए 84 बेड है, लेकिन 87 बच्चे भर्ती हैं। वही अस्पताल के अन्य मरीजों के लिए 761 बेड है, लेकिन भर्ती मरीजों की संख्या 836 है। NMCH में इन दिनों मरीजों के सामने बेड कम पड़ गए हैं। बेड नहीं रहने के कारण मरीजों को एडमिट करने में भी समस्या हो रही है। अभी वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, आमतौर से उनमें सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है। तो आम जो ये सर्दी, खांसी, जो फ्लू, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, मगर इसमें कई बच्चे हैं जिनको कि इन्फेक्शन जो है थ्रोट से फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया होने के बाद उनको हाई फीवर, सर्दी खांसी के साथ पसली चलना, और फिर दूध पीना कम हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, और उनको भर्ती करना पड़ता है, और ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। तो और नस से उनको एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक होती है। कितने बच्चे की संख्या बढ़ने के बाद जो है यहाँ बेड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आई है? ऐसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि अभी 87 बच्चे भर्ती हैं, 3 बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती हैं, और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर 2-2 मरीजों को रखा है, और कई मरीजों को एक एक्स्ट्रा बेड कहीं से इंतजाम करके लगाया है, कई मरीजों को गद्दा जो है फर्श पर रख के और उस पर रख के इलाज कर रहे हैं। तो बेड्स की हमारे यहाँ समस्या है अभी, और कई लोग जो कि यहाँ आते हैं, भर्ती की आवश्यकता भी होती है, मगर बेड के अभाव में उनको हम नहीं भर्ती करते। आप बताएं सर, 84 बेड है बच्चों के लिए, इसमें नीकू और पीकू सब इंक्लूड है? सभी इंक्लूडेड है, 84 बेड में नीकू पीकू सभी इंक्लूडेड है। तो तीसरे बेड को लेकर क्या तैयारी है सर? अभी ऐसा बातें आ रही कि बच्चों में ज्यादा इसका असर होगा। तो तीसरे बेड के लिए हमारे पास जो है टोटल जो एक हम लोग का 42 बेड है NCH बिल्डिंग में कोविड के लिए, है ना, जिसमें अभी हम पूरा उसको रिक्त रखे हुए हैं, और बाकी इधर मेरा 84 बेड है, मतलब टोटल 136 बेड है हमको बच्चों के लिए, और सभी 136 बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और सक्शन जार जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, और हमारा जो LMO टैंक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक है, उससे इन सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है, कि अगर कोरोना होता है या फिर अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग अगर आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनका हम लोग समुचित इलाज कर पाते हैं। हमारे यहाँ वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप प्रचुर मात्रा में है। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया है संस्थान को, जिससे कि हम लोग कोरोना के संभावित तीसरी लहर को अच्छी तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं। न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।